अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा भविष्यवाणियों का कार्यक्रम कालचक्र। तो कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए ब्रिटेन के साइकिक एक्सपर्ट और भविष्यवेता श्री क्रेग हेमिंटल पार्कर द्वारा की गई वर्ष 2024 के लिए कुछ नई भविष्यवाणियां। तो क्रेग का अनुमान है कि वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर अत्यंत गंभीर तनाव एवं संघर्ष की परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। इसी वर्ष संसार भर में महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिलेगा। क्रेग को चीन और ताइवान के बीच भी संघर्ष छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने संसार के मध्य पूर्व हिस्से में भी युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया है। यहां तक कि हमास और इजराइल का युद्ध अब ईरान और इजराइल के युद्ध में भी बदल सकता है। क्रेग का तो यहां तक कहना है कि चीन में बहुत ही शीघ्र लोकतंत्र की स्थापना होगी और साम्यवादी सरकार यानी लाल रंग का अंत होगा। चीन में लोकतंत्र की बहाली के बाद चीन में विघटन आरंभ होगा और चीन से कई छोटे छोटे देश निकल करके संसार के मानचित्र पर छा जाएंगे। क्रेग इन सभी के बीच सारे संसार भर में आध्यात्मिकता की एक लहर फैलते हुए भी देख रहे हैं। ये आध्यात्मिकता की लहर कोई सामान्य लहर नहीं होगी, बल्कि इस लहर में संसार के सारे धर्म समा जाएंगे और सभी धर्म एक धर्म को मानने लगेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 में संसार में एक सार्वभौमिक धर्म हमारे सामने आएगा और जाति वर्ण और धर्म के भेदभाव का पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा। क्रेग ने यह भी कहा है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया एक गठबंधन बना चुके हैं और ईरान, चीन, रूस पश्चिमी देशों को अस्थिर करने का काम जोर शोर से कर रहे हैं। इस कारण 2024 में संसार के मध्य पूर्वी देशों में संघर्ष बढ़ने वाला है। क्रेग ने सारे संसार भर में साइबर हमले का भी अंदेशा जताया है। वे भारत की क्षेत्रीय सीमा में भी बढ़ोतरी से इनकार नहीं कर रहे हैं। क्रेग के अनुसार 2024 में संसार भर की जलवायु में भारी मात्रा में परिवर्तन होने जा रहा है, इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं की इस वर्ष भरमार रहेगी। उनके अनुसार जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं, वहीं वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन को निर्वासन का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी के साथ वे अमेरिका में बिजली की कमी से होने वाले ब्लैकआउट को लेकर भी अमेरिकी लोगों को सावधान कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वे कनाडा में राजनीतिक परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं। साथ ही साथ तेल को लेकर एक नई खोज संसार के सामने आ सकती है। इसके अलावा वे ब्रिटेन में तख्ता पलट की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। उनके अनुसार संसार भर में घरों की कीमतों में वृद्धि होगी और रूसी जहाज के साथ किसी देश का टकराव हो सकता है। इतना ही नहीं, 2024 में रूसी जासूसी और मिसाइलों से हमले होंगे और ब्रिटेन के शाही परिवार में खलबली मच सकती है। यूरोपीय देशों के समाज में भी तेजी से परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रेग के अनुसार 2024 में भारत और अमेरिका के साथ साथ भारत के संबंध ब्रिटेन के साथ भी मजबूत होने वाले हैं। यहां तक कि भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी मिलकर कई विवादों को सुलझाने का कार्य भी आरंभ कर सकता है। इतना नहीं, पाकिस्तान की सहमति से भारत के कुछ हिस्सों को अपने देश में मिला भी सकता है। इधर फिलीपींस में ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को लेकर एक तनाव पैदा होगा और चीन की अर्थव्यवस्था में किसी बड़ी गिरावट के संदेश भी वो दे रहे हैं। वे रूस द्वारा क्रीमिया को अपने पास रखने एवं यहां भी तख्ता पलटने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। पुतिन की मृत्यु के बाद एक महिला राष्ट्रपति संसार के सामने आ सकती है। इसी के साथ क्रेग ने मानवता को एक बेहतर युग में प्रवेश करने की भी संभावना व्यक्त की है। उनका विश्वास है कि संघर्ष और युद्ध के दौर में भी लोगों की आध्यात्मिक चेतना मरेगी नहीं, बल्कि उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी। कार्यक्रम के दूसरे भाग में बात करते हैं क्रिस्टोफर निटरविजर के द्वारा की गई 2024 की भविष्यवाणियों पर। क्रिस्टोफर ने सबसे बड़ी भविष्यवाणी रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर की है। उनके अनुसार 2025 की गर्मी के मौसम में या फिर 2026 की गर्मियों के दौरान क्रेमलिन सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, जिससे संभावित रूप से यूक्रेन युद्ध का समाधान हो सकता है। उन्होंने 2024 में सामूहिक विकास की गतिविधियों पर जोर देते हुए कहा है कि इस वर्ष लोग समूहों की तरक्की के बारे में सोचेंगे, ना कि अमीर देशों की तरह अपनी अपनी प्रगति के रास्ते पर अलग अलग चलेंगे। यद्यपि इन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़ा खतरा होने की आशंका व्यक्त की है। उनके अनुसार AI टूल से लोगों के सोचने की समझ में परिवर्तन लाकर चुनाव के परिणाम अपने पक्ष में किए जा सकते हैं। 2024 में डिजिटल संसार में एक बड़े घोटाले की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी के साथ डिजिटल हथियारों की संख्या भी बढ़ने वाली है। उनके अनुसार आगे होने वाले युद्ध में भी डिजिटल हथियारों का प्रयोग होगा, जिसका परिणाम काफी घातक होने वाला है।
क्रिस्टोफर ने 2024 में 2008 से भी बड़ी मंदी आने का संकेत देते हुए कहा है कि 2024 में बैंकिंग सेक्टर सबसे अधिक चुनौतियों से जूझने के कारण संसार के कई बड़े बैंक तक भी डूब सकते हैं। यद्यपि उन्होंने बिटकॉइन में निवेश करने को सुरक्षित बताया है, 2024 में वे बिटकॉइन को एक अच्छे निवेश के तौर पर भी देख रहे हैं, किंतु हमारा अनुरोध है कि किसी भी निवेश से पहले उसके वित्तीय जोखिमों को ध्यान से पढ़ने, अन्यथा हानि हो सकती है। वे 2024 में ग्रही परिवर्तन को देखकर कह रहे हैं कि नेपच्यून के मीन राशि में जाने के कारण, बृहस्पति के वृषभ राशि में जाने के कारण एवं कई ग्रहण एवं बुध के प्रतिगामी होने के कारण व्यक्तिगत विकास के लिए इससे अच्छा समय आगे मिलने वाला नहीं है। वे धरती की जलवायु में भी बदलाव देख रहे हैं। उनके अनुसार संसार में किसी देश में एक नया नेता उदित होगा जो देखते देखते सारे संसार भर में छा जाएगा। ये नया नेता संसार में एक बड़े परिवर्तन की अलख को जगाने भी जा रहा है। वे इजराइल, यूक्रेन एवं चीन में राजनीतिक परिवर्तन होने का भी संकेत दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण साइबर ठगी के मामले में भी वृद्धि हो सकती है। वे इसी वर्ष डिजिटल युद्ध भी होता हुआ देख रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि डिजिटल लड़ाई पारंपरिक युद्ध से कहीं अधिक घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े परिवर्तन से ही कोई बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। इसी के साथ उन्होंने मानव के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में एक लंबी छलांग लगाने की संभावना व्यक्त की है। वे 2030 तक सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश ना करने की भी अपील कर रहे हैं। 2024 में बिटकॉइन के भी उछाल के संकेत मिल रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, कालचक्र के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए एपिसोड में कुछ नई रोचक भविष्यवाणियों के साथ। लेकिन जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे कार्यक्रम का कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, तो इसके लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।